नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी 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 सारी मज़ेदार न्यूज़ अपडेट के बारे में। मतलब काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट आपके लिए मैं यहाँ पर फिर से लेके आया हूँ। काफ़ी मज़ा आएगा आपको देख कर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसके सामने मिलता है बेल आइकन, दबाने से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली अपडेट आ रही है टेस्ला की तरफ से। तो टेस्ला कार्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो कुछ ही दिन पहले जो प्लूटो रिको सिटी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है तूफान आया था वहाँ पर, और काफ़ी सारी जो है वहाँ पर तबाही मच गई थी। तो उसे लेकर जो है टेस्ला के मालिक जो एलन मस्क हैं, उन्होंने जो है $2.5 लाख का यहाँ पर दान भी दिया। और उसी के साथ जो है वहाँ पर सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो पावर सोर्स थे, वायरिंग थी, सारी की सारी जो नष्ट हो चुकी है। काफ़ी सारे पावर प्लांट थे वो भी नष्ट हो गए हैं। तो वहाँ पर जो है बिजली मतलब बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास बिजली नहीं होगी तो मतलब किस प्रकार से आपको फील होगा, उसी प्रकार से उन लोगों को यहाँ पर हो रहा है। तो एलन मस्क ने जो है वहाँ पर एक सोलर पावर प्लांट लगाने के मतलब यहाँ पर बात हो रही है। काफ़ी बड़ा है सोलर पावर प्लांट जो है, इसका काम चल रहा है जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। तो अच्छी बात है, वहाँ पर जो है कि पावर प्लांट लग जाएगा और उन लोगों को भी जो है बिजली मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी है पावर प्लांट की तरफ से ये न्यूज़। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है रोबोट्स की तरफ से। कितना छोटा रोबोट जो कि मधुमक्खी के जैसा, मतलब एक मधुमक्खी आप उसे समझ सकते हैं। इंसान का रोबोट आपने देखा, काफ़ी सारी मशीनें हैं वो भी रोबोट हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कि बी होती है जो मक्खी होती है उसका यहाँ पर रोबोट बना दिया है, जो कि पानी में डुबकी भी लगाती है और काफ़ी सारे और भी काम करती है। और काफ़ी जो है छोटी है, काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन से जो है काम करती है, और रॉकेट की तरह जो है पानी में दौड़ती है पनडुब्बी की तरह। तो हो सकता है फ्यूचर में ये भी किसी काम आए। तो यहाँ पर जो रोबोट की तरफ से जो है यही न्यूज़ निकल के आ रही है, तो काफ़ी बढ़िया है। और इसके अंदर जो है 175 मिलीग्राम वेट है, मतलब काफ़ी कम यहाँ पर वेट इसमें बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है एक ऐसे ऑडियो सिस्टम की जो कि कार के अंदर लगता है। आपके पास भी एक कार होगी, उसके अंदर भी जो है कि ऑडियो सिस्टम लगा हुआ होगा, एक स्टीरियो सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ होगा। तो इसी प्रकार का जो है कि और स्टीरियो सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। तो ये ऑडियो सिस्टम जो है आपको इस प्रकार से फील कराता है कि कार में मतलब हर जगह स्पीकर लगे हुए हैं, मतलब इस प्रकार से वाइब्रेट करके हर तरफ जो है बराबर साउंड आपको यहाँ पर इसके द्वारा मिलती है। तो जितनी साउंड आप खोलते हैं उसी हिसाब से जो है यहाँ पर हर तरफ हर चीज़ से मतलब आवाज़ निकल के आती है। इस प्रकार का ये ऑडियो सिस्टम है। कार के अंदर कुछ भी चीज़ है, कुछ भी जो है इंटीरियर कार में लगा हुआ है, अंदर की तरफ जितना भी दिखता आपको, उन सब चीज़ों से जो है यहाँ पर सिर्फ म्यूजिक की ही आवाज़ आपको सुनेगी। तो आप कन्फर्म नहीं पता लगा पाएंगे कि स्पीकर्स जो हैं लगे हुए कहाँ हैं। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो सबसे बढ़िया जो है कुछ टेक्नोलॉजी काफ़ी दिन बाद निकल के आई है, तो काफ़ी अच्छी है। अगर आपके पास कार है तो आपके पास भी ये टेक्नोलॉजी जो है जल्दी आने वाली है, तो आप लगा सकते हैं अपनी कार में। दोस्तों, अब अगली अपडेट आ रही है वोडाफोन की तरफ से। वोडाफोन की तरफ से मतलब इस प्रकार की अपडेट आ रही है काफ़ी अच्छी आपके लिए। काफ़ी सारे और भी प्लान आते हैं जियो के, एयरटेल के, लेकिन यहाँ पर जो वोडाफोन ने 69 रुपये का 7 दिन का प्लान दिया, जिसमें आपको मिलेगा 500 MB डेटा और 7 दिन तक जो है आप किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं, लोकल या STD। तो काफ़ी अच्छा ये प्लान है वोडाफोन की तरफ से। तो 69 रुपये में जो है कि छोटा पैक यहाँ पर आप बोल सकते हैं, जिसमें 500 MB आपको इंटरनेट मिल जाएगा और कॉल जो है कितनी भी मनचाही आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया है वोडाफोन की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है Xiaomi Mi 5X की तरफ से, जो कि लॉन्च हो गया है कि दूसरे डिज़ाइन के अंदर। थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशन जो जल्दी से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके अंदर जो 5.5 की जो है फुल HD यहाँ पर डिस्प्ले होने वाली है, 1920x1080 पिक्सल की। 2.5D जो कवर्ड ग्लास है इसके ऊपर लगा हुआ है प्रोटेक्शन के रूप में। स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर का इसमें मतलब यूज़ किया गया, और उसी के साथ 2.0 GHz की स्पीड पर जो है रन करता है, क्लॉक स्पीड आप इसे कह सकते हैं। 4 GB की इसमें रैम दी गई है, मतलब मल्टीटास्किंग भी जो है यहाँ पर बेटर हो जाती है 4 GB रैम के साथ। और इसमें जो है दो अलग अलग वेरिएंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, 64 GB और 128 GB वाला, तो दो अलग अलग में आप यहाँ पर ले सकते हैं। 12 MP के जो है पीछे की तरफ रियर में आपको डुअल कैमरे मिलते हैं, उसी के साथ जो है एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फ्लैश लाइट भी आपको मिल जाती है। फ्रंट कैमरा जो है यहाँ पर 5 MP का दिया गया है, तो काफ़ी ठीक है फ्रंट कैमरा भी। और इसमें जो है 3000 mAh की आपको मिल जाती है बैटरी पावर के लिए, बैकअप पावर के लिए जो है बैटरी 3000 mAh की मिल जाती है। लगभग प्रथा ही चली हुई है, लगभग 2800 से लेकर 3200 mAh की बैटरी ज़्यादातर मोबाइल में देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो पता नहीं, अजीब सी कुछ बात यहाँ पर हो जाती है काफ़ी बार, जो है कंफर्म नहीं रहता है कि कितने जो mAh की बैटरी यहाँ पर होने वाली, थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर ऊपर नीचे करते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है OnePlus 5T की तरफ से। काफ़ी दिन से जो इसकी वेटिंग चल रही थी, अब प्री ऑर्डर के लिए मतलब ये आपको मिल सकता है। तो थोड़ी सी जो है स्पेसिफिकेशन की यहाँ पर हम बात करेंगे। कीमत जो है अभी इसकी कोई कंफर्म नहीं है, ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकती है, तो मैं आपको अभी कीमत नहीं बताऊँगा, बाद में जो है फेसबुक पेज पर आपको मैं बता दूंगा। तो इसमें डिस्प्ले और बॉडी के बीच में जो बेजल है वो मतलब नहीं है, दोनों साइड से 18:9 वाला वही जो सिस्टम इसमें मिल रहा है। और 6 इंच की जो है यहाँ पर क्वाड कोर HD स्क्रीन आपको मिलती है, और 2.45 GHz का जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 CPU यहाँ पर आपको मिलता है। 6 GB और 8 GB दो अलग अलग वेरिएंट आपको मिलते हैं,
जैसा आप लेना चाहें। और 64GB और 128GB की दो अलग अलग इंटरनल स्टोरेज जो है वो आपको इसमें मिल जाती हैं। और रियर कैमरा जो है इसमें डबल होने वाले हैं, यहाँ पर दो बताए जा रहे हैं, एक तो 16 मेगापिक्सल का और दूसरा जो है 20 मेगापिक्सल का। उसी के साथ जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का बताया जा रहा है। 3450 mAh की इसमें बैटरी है। आप देख लीजिए इसकी प्राइस जो है कितनी होगी, नीचे कमेंट में कमेंट जरूर करें। आपकी भी जो है मराए यहाँ पर जाना चाहूँगा, आप अपनी भी ओपिनियंस मुझे बताएं। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है SMD ग्लोबल की तरफ से, उन्होंने जो है एंड्रॉयड ओरियो जो अपडेट है नोकिया 8 के लिए लॉन्च कर दी है, मतलब बेटा टेस्टिंग यहाँ पर निकल के आ रही है। तो शायद आपके पास अगर नोकिया 8 है तो आपको भी बेटा टेस्टिंग के लिए मतलब अपडेट मिल सकती है, तो आप इसे इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं मतलब ठीक ठाक ये मतलब काम कर रही है नहीं, इसी को जानने के लिए जो है बेटा अपडेट निकाली। उसके बाद जो है कंफर्म अपडेट भी आपके पास आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है ट्विटर की तरफ से, तो ट्विटर के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों की जो है सेल कर दी जाती है, मतलब कुछ भी जो है गड़बड़ घोटाला यहाँ पर चलता रहता है। ऑनलाइन में लोगों को फंसाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई जाती हैं और वो कुछ से जो है कॉपीराइट होती है, कुछ नकली होती है, उन्हीं को जो है मतलब पकड़ने के लिए रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पर निकाल ली है जिससे जो है वो सब डिटेक्ट हो जाते हैं। उनके बाद जो है उनकी लिंक वगैरह डिलीट कर दी जाती है, उनके अकाउंट भी जो है बंद कर दिए जाते हैं। तो एक ये लर्निंग मशीन जो है इंटरनेट के ऊपर छोड़ दी है, वो सीखती रहती है और इन जैसी चीज़ों को जो है ऑटोमेटिकली वहाँ से जो है हटाती रहती है। तो काफ़ी अच्छी बात है, ऑनलाइन जो सेलर्स हैं वो अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर सेल करते हैं। उसी के साथ जो है कुछ ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर वही चीज़ जो है नकली मिलती है या फिर वेबसाइट भी जो है इधर उधर कॉपी होकर है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता वहाँ पर कि मतलब ये सही है या फिर ये गलत है, कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो है सैन डिएगो वहाँ पर जो है ये शोध किया गया था, उसके बाद जो है ये टेक्नोलॉजी निकल के आ गई है, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये भी। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है गूगल की तरफ से, तो गूगल ने जो है कि एंड्रॉयड स्टूडियो 3.0 है वो लॉन्च कर दिया है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पहले वाला भी आपने यूज़ में लिया होगा जिसमें आप एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं, एप्लीकेशन के आप बग्स वगैरह जो है फिक्स कर सकते हैं। अगर आप भी एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं प्ले स्टोर के ऊपर, आपने अपनी एप्लीकेशन बना रखी है, तो वहाँ पर जो है इस एप्लीकेशन के द्वारा काफ़ी सारे जावा और स्क्रिप्ट वगैरह जो हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं, उन्हें खोल सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ उसमें सुधार कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जो है अपडेट निकल के आ रही है गूगल की तरफ से, तो गूगल ने जो है रिलीज़ कर दी है एंड्रॉयड स्टूडियो 3.0। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है DJI की तरफ से, तो अमेरिका के अंदर जो है ड्रोन्स की काफ़ी यहाँ पर मारा मारा चल रही है, मतलब जिसके पास देखो यहाँ पर ड्रोन्स लिए हुए घूमता है। तो काफ़ी सारे ऐसे ड्रोन्स से बैन एरिया हैं वहाँ पर भी जो है ड्रोन्स गिर जाते हैं, पाए जाते हैं, काफ़ी सारे नुकसान भी हो जाते हैं। काफ़ी सारे जो एयरपोर्ट हैं उनके आसपास भी यहाँ पर बैन कर दिए गए हैं ड्रोन्स को, फिर भी लोग नहीं मानते हैं, चलाते ही रहते हैं। तो वहाँ पर जो है कि सीरियल नंबर प्लेट ड्रोन्स के ऊपर लगाने की यहाँ पर जो है बात हो रही है, जल्दी जो है हर ड्रोन को भी एक गाड़ी की तरह जो है नंबर प्लेट यहाँ पर लेनी होगी। अगर ड्रोन का लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप जो है ड्रोन को नहीं उड़ा सकते, अगर उड़ा भी रहे हैं तो कहीं मतलब पकड़े गए तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारा आपको भुगतान यहाँ पर करना पड़ सकता है। और यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं वो भी कुछ कार्स वगैरह की तरह मतलब काफ़ी लोग पसंद करने लगे हैं, काफ़ी उड़ाने लगे हैं इनको हवा के अंदर, तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसी विषय की जो है चिंता के अंदर मतलब ऐसी कंडीशन के अंदर मतलब ये नंबर प्लेट बनाई गई हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है अगर ये नंबर प्लेट निकल के आती हैं तो ड्रोन्स के मालिक जो हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उस ड्रोन के ऊपर उनकी जो है पूरी एक्टिविटी यहाँ पर है एक चिप के अंदर भी हो सकती है, या फिर उनके ऊपर एक सीरियल नंबर यहाँ पर लगा दिया जाएगा, या फिर लगेगी एक नंबर प्लेट छोटी सी। तो अभी जो है ये कन्फर्म नहीं हो पाया है, जहाँ पर हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं, एयरपोर्ट वगैरह हैं, रेलवे स्टेशन है और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ हैं जहाँ पर ड्रोन्स को उड़ना नहीं चाहिए, वहाँ पर भी जो लोग उड़ा रहे हैं, तो इसी के चलते जो है यहाँ पर ये बैन किया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है, अभी तो ये वाशिंगटन जो है DC वहाँ पर जो है ऐसा ऐलान किया गया है, तो जल्दी जो है समझ जाएंगे सब कुछ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ काफ़ी सारी न्यूज़ की जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी होगी, काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट आपको पसंद भी आई होंगी इसके अंदर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी वीडियो रोज़ देखते रहने के लिए। और जितने भी मेरे व्यूअर हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं वो लाइक नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा एक लाइक यहाँ पर हर वीडियो के साथ बनता है, एक व्यू के साथ आप एक लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो के नीचे ही लाइक बटन आपको मिल जाता है। तो आशा करता हूँ काफ़ी अच्छी सी जानकारी मैंने आपको दी होंगी। अगर आपका कुछ सवाल है, कोई सुझाव है इन जानकारियों के बारे में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।